लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है, फिरोजाबाद। बीती देर रात चोर ने एक मकान से किया हाथ साफ, जहां बड़े बक्से से छोटा बक्सा लेकर चल पड़े। बता दें, थाना उत्तर क्षेत्र कोटला रोड किशन नगर की घटना है। लाखों के आभूषण और नगदी लेकर हुए फरार। सीसीटीवी में ये मामला हुआ कैद। बता दें, थाना पुलिस ने किया मौका मुआयना। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र किशन नगर कोटला रोड निवासी अमरनाथ पुत्र जालिम सिंह ने इसके मकान से बीती देर रात आए एक चोर ने बड़े बक्से से छोटा बक्सा चोरी कर लिया और उसमें रखे करीब 7-8 लाख रुपए के आभूषण और 90,000 रुपए नगद लेकर चोर फरार हो गए। इसकी जानकारी आज तड़के परिजनों को हुई। ये सारी जानकारी पीड़ित अमरनाथ ने मीडिया को दी। साथ ही बताया कि वह अपनी भैंसों को देखने गया था, फिर जब घर आया तो पत्नी बेहोश थी। बेटे को बताया तब पता चला। साथ ही बताया कि बेटी शादी के बाद कुछ दिन पहले आई थी, उसके भी आभूषण रखे हुए थे। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले। उसमें एक चोर सीसीटीवी में बक्सा ले जाते नजर आया और वही मकान से कुछ दूरी पर खुला बक्सा पड़ा नजर आया। पीड़ित ने बताया कि बक्से में 7-8 लाख रुपए के आभूषण और 90,000 रुपए नगद रखे थे। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश में जुटी हुई है। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है? अमरनाथ। क्या हुआ है? हमारे यहाँ बक्सा निकाल लो है, बाम वो रखो गल्लो, बाम चीज बच रखी है, लला सो रहा था, मोबाइल रखो, मोबाइल ले गए और चीज गल्लो गल्लो ही गल्लो ले गए, उठा गए सब चीजों को। कितने रुपए का सामान गया होगा? लोग करीब 10 लाख का सामान है बाम में, आके देख सकते हो आप। अच्छा, कब की घटना है ये? 3 बजे के बाद की है। आपको कब पता चला? मैं तो सवेरे माँ भैंसिया धनते आए, मैंने कहा भैंसिया को चारों डालेंगे तो मेरा बनिए। यहाँ बक्सा वक्सा कहाँ मिला तुम्हारा? हम सवेरे ढूंढ रो रहे हैं, तुम्हें पर वो समय जाना बक्सा मिलो, एक प्लॉट खा लिया था हमें। अच्छा, और क्या क्या सामान गया उसके अलावा, पैसे चीज वस्तु के अलावा? भाई हम पैसा रखे हैं और चीज वस्तु रखी है। चीज वस्तु की कीमत लगभग क्या होगी? वही 10 लाख की करीब, 8-10 लाख की। आप देख सकते हैं आगे वही मोबाइल है, ललिको 70,000 को वो नहीं छोड़ी शादी करीबे के बाद में।